कंकालों का सौदा करने वाले एक तस्कर को बिहार की छपरा पुलिस ने रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 16 इंसानी खोपड़ियां और 34 नरकंकाल के साथ भूटान की मुद्रा और कई देशों के एटीएम और एक विदेशी सिम भी मिला है। खास बात यह है कि वो नरकंकाल यूपी के बलिया से खरीदे गए हैं। आखिर वो क्या करता था इन नरकंकालों का और क्यों कर रहा था उनकी तस्करी? नरकंकालों का सौदागर गिरफ्तार, 16 खोपड़ी 34 कंकाल बरामद, बिहार में छपरा रेलवे स्टेशन से बरामद, यूपी के बलिया से होती थी नरकंकालों की तस्करी। तस्वीरों में दिख रही है इंसानी खोपड़ियां और नरकंकाल किसी के दिलो दिमाग में सिहरन पैदा करने के लिए काफी हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ये इंसानी खोपड़ियां और नरकंकाल कहां से लाए गए हैं। आइए आपको इन इंसानी खोपड़ियों और नरकंकाल के बारे में तफसील से बताते हैं। दरअसल बिहार की छपरा रेलवे पुलिस ने छपरा रेलवे स्टेशन से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शख्स से जब पूछताछ और तलाशी ली गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रेलवे पुलिस की माने तो पकड़े गए शख्स का नाम संजय प्रसाद है और उसके पास से 16 मानव खोपड़ी और 34 कंकाल बरामद किए गए। इसके अलावा उसके कब्जे से भूटान की मुद्रा, विभिन्न देशों के एटीएम कार्ड तथा एक विदेशी सिम भी जब्त किया गया है। पूछताछ के दौरान संजय प्रसाद ने बताया कि उसने उत्तर प्रदेश के बलिया से इन कंकालों को खरीदा था और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी होते हुए भूटान जा रहा था। बैग की चेकिंग के बाद उसमें कंकाल और फिर स्कल और स्केल्टन मिले। इसके पास से जो बरामद सामान है, वो बरामद सामान में विदेशी भूटानी मुद्रा है और विदेशी नेपाली सिम है। इसके अलावा दो राज्यों के अपने अलग अलग राज्यों के आई कार्ड हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय गमनागमन इनके द्वारा होता है और व्यावसायिक गमनागमन की भी गुंजाइश इससे बनती है। तो इसके बाद हम लोगों ने इनके पास से कंकाल को सीज करके और फिर विधि सम्मत तरीके से इन्हें गिरफ्तार किया और फिर अभी इन्हें जेल भेजा जा रहा है। रेलवे पुलिस को उसके पास से एक पहचान पत्र पर बिहार के मोतिहारी जिले के पहाड़पुर का और दूसरे पहचान पत्र न्यू जलपाईगुड़ी बंगाल का है। पुलिस की माने तो यह अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह का सदस्य हो सकता है। बरामद नरकंकाल का उपयोग हिमालयी देश के तांत्रिक करते हैं और जिन्हें ऊंची कीमत पर बेचा जाता है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि नरकंकाल का इस्तेमाल मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों द्वारा किया जाता है, जिसके लिए ले जाया जा रहा हो। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और उसके सहयोगियों की तलाश के लिए जाँच जारी है। पूछताछ में आरोपी ने इसका कनेक्शन यूपी के बलिया से जोड़ दिया है, तो सवाल ये उठता है कि क्या बलिया नरकंकालों की तस्करी का अड्डा है? ये भी एक जांच का विषय है। पत्रकार